Hello India, this is All India ranker Sakshi Airan from Indore and she got All India rank first in CA Intermediate exam. So, आपके सामने मैं यहाँ पे जो session ले रहा हूँ, that is for the purpose कि आप लोगों को मैं guide कर सकूँ, साक्षी guide कर सके कि कैसे आपको पढ़ना है. She is AIR first from Indore, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है. So, congratulations साक्षी for this. ओके तो मैं आपको बता दूं कि मैं दो सब्जेक्ट साक्षी को पढ़ाता हूं. फर्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज जीएसटी. तो मैं सब्जेक्ट वाइज साक्षी आपसे बात करूंगा. सबसे पहले अगर मैं बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, उसमें थोड़ी सी थ्योरी भी आती है. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, जैसे बच्चे भी बहुत गलतियाँ करते हैं. तो आपने मतलब कैसे उन सिली मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करी, कैसे आपने सिली मिस्टेक्स कम करने के लिए कुछ किया कि एक्स्ट्रा की गलतियां ना हो? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही सिली मिस्टेक दो बार नहीं होती, तो सारी घर पे हो चुकी थी. ओके, मतलब आपने इतनी प्रैक्टिस करी कि वो सिली मिस्टेक्स बार बार ना हो. तो फर्स्ट मैसेज जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि कॉस्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिना प्रैक्टिस के आप लोग स्कोर नहीं कर सकते. She got 91 marks in cost accounting. Okay, that's a very big achievement for her. तो practice करनी है, ये पहला message जो है वो आप लोगों को जाता है इस subject के लिए. मेरा जो second question आपसे है वो ये है कि cost के लिए बच्चों के दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है कि paper बहुत lengthy आता है, time कम पड़ता है. तो ऐसा आपको exam में लगा कि time कम पड़ रहा है? नहीं, cost का paper in fact 30 minutes पहले हो चुका था. Okay. मैं check भी कर चुकी थी, तो टाइम की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आई थी. कॉस्ट का पेपर आधे घंटे पहले हो गया था, तो अगेन वो आंसर वही है कि प्रैक्टिस करो, है ना. प्रैक्टिस करो तो टाइम अपने आप कम लगेगा. तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है कॉस्ट के पेपर के अंदर. ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग. थ्योरी पढ़ के गए होंगे, थ्योरी के लिए क्या क्या रेफर किया था? थ्योरी के लिए सर की छोटी सी अराउंड 60 पेजेस की नोट्स थे, वो इनफ थे, और उसी में से मैक्सिमम थ्योरी आई थी, और एक दो क्वेश्चन आरटीपी का आया था. थ्योरी पे इतना भी फोकस नहीं किया था मैंने कॉस्ट के लिए. और इंस्टीट्यूट ने सबसे अच्छा काम किया था कि एक सेपरेट पूरा क्वेश्चन ही थ्योरी का था जिसको आप छोड़ भी सकते थे. सो पहले कॉस्ट के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेजर आता है. देन थ्योरी अगर आप चाहते हैं तो वो स्मॉल नोट्स को रेफर करें. पूरा मॉड्यूल पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है. ओके, पूरा मॉड्यूल पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है. तो समरी नोट्स जो मैंने आपको दिए थे क्लास के अंदर, समरी नोट्स पे वर्कआउट करिए. थ्योरी के समरी नोट्स अगर आपके पास हैं तो वो वर्कआउट करो, क्योंकि पूरा मॉड्यूल में बहुत एक्सेस दिया हुआ है. तो उसको आप पढ़ने जाओगे तो अल्टीमेटली वो समरी ही आप याद रख पाओगे. तो थ्योरी कॉस्ट में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रैक्टिकल है, ऐसा साक्षी का मानना है. क्योंकि एक क्वेश्चन अलग से आता है थ्योरी का, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो. पर यस, अगर थ्योरी अपने को पढ़नी है तो शॉर्ट नोट्स पे वर्कआउट करो, क्योंकि वही आपको एग्जाम तक रिटेन हो पाएगा. ठीक है, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. नाउ आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग जीएसटी. जीएसटी इज ए न्यू सब्जेक्ट, पहली बार सी इंटरमीडिएट के एग्जाम में आया था. ऑफकोर्स पहली बार 1 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल हुआ है. तो फर्स्ट एग्जाम जो थी मई 2018, वहाँ पे जीएसटी एग्जाम में था. तो अब जीएसटी को लेके जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि उसके लिए क्या रेफर किया था आपने जीएसटी के? तो इनफैक्ट आई अप्रिशिएट इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल्स भी बहुत अच्छे से डिजाइन किए थे, और सर के नोट्स भी कंप्लीट थे, एग्जांपल्स थे उसमें मोस्ट, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स थे, क्वेश्चंस की भरमार थी. सो इट वाज गुड, और अच्छी थी जीएसटी. फर्स्ट टाइम आया था, अच्छा एक्टिव, पढ़ने में मज़ा आया क्योंकि एकदम नया था, किसी को कुछ नहीं पता था, तो अच्छा लग रहा था कि हम ये सीख रहे हैं. तो इट वॉज गुड और फनी था. इनफैक्ट ऐसा कुछ जीएसटी को लेके जो था बहुत टिपिकल है, टिपिकल है, टिपिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट बहुत सिंप्लीफाइड वे में आया है. इट्स अ फन लविंग सब्जेक्ट. इनकम टैक्स, जीएसटी, दे वर एक्सीलेंट. ओके, तो साक्षी का ऐसा मानना है कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बहुत अच्छा है, आईसीए का मॉड्यूल एक्चुअली बहुत अच्छा है. जीएसटी पे उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत ही अमेजिंग मॉड्यूल तैयार किया है. तो जीएससी का मॉड्यूल इनफ है. प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए ऑफकोर्स नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेफर किए होंगे, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन आईसीएन नहीं दिए, कम दिए, बहुत कम दिए. तो इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हो, बट मॉड्यूल इज वेरी गुड. वन मोर थिंग, मैंने क्लास में हमेशा एक चीज़ बोली थी, कॉपी.
क्या वो कॉपी आपको एग्जाम में काम आई जीएसटी की? दिस द लास्ट मिनट रिवीजन, तो कॉपी है, कुछ नहीं समझ में आया तो कॉपी खोल के देखना पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स ऑल्दो अच्छे हैं पर वो टेक्निकल लैंग्वेज ही है, तो जब तक कॉपी में आपने सिंपल लैंग्वेज में लिखा आप नहीं पढ़ोगे वो समझ में नहीं आता है, तो कॉपी में लिखा हुआ तो हमेशा यूजफुल होता है। कॉपी से रिवीजन कितना फास्ट हो, कितने दिन में आपने जीएसटी पढ़ लिया था कॉपी से? हार्डली 3 आवर्स। 3 आवर्स, ओके, 3 आवर्स में पूरी कॉपी हो गई थी जीएसटी की? ओके, इट्स अमेजिंग, बट यस, कॉपी 3 घंटे में उन्होंने एग्जाम के पहले पूरा जीएसटी रिवाइज कर लिया कॉपी से, तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। लास्ट एंड फाइनल जो मैं एक छोटा साक्षी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉस्ट और जीएसटी के लिए कुछ ऐसा मैसेज दो कि बच्चा ये कर ले तो पास हो जाएगा। कॉस्ट में प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज योरसेल्फ फॉर द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि कॉस्ट की एक चीज होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो कर लो तो पूरा चैप्टर उसमें समा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो रैदर कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को बार बार लेके बैठो। एंड जीएसटी रीड इट अगेन एंड अगेन, मोर द यू रीड आपको अलग अलग चीज़ें पता लगेगी, इनफैक्ट ये हर लॉ पे एप्लीकेबल होता है, जितनी बार उसको पढ़ते हो आपकी सोच अलग ही दिशा में जाती है, तो जितनी बार पढ़ोगे जीएसटी को उतना रिटेन होगा। एंड कॉस्ट, तो इट्स अ फन लविंग सब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज एंड ऑल कंसेप्ट्स, एक तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, कॉमर्स स्ट्रीम से हम लोग आते हैं, अकाउंट्स फिर भी पढ़ा होता है, कॉस्ट अलग होता है, तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है, कैलकुलेटर्स चलाने में मज़ा आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग ये सब कुछ एकदम डिफरेंट टॉपिक्स इंटरेस्ट जनरेट करते हैं पढ़ने में। पढ़ो थ्योरी को लेके कॉस्ट में, मैं कहूँगी इतना लोड मैंने लिया था क्योंकि शुरू शुरू में थ्योरी का क्या होगा थ्योरी का क्या होगा, बट एट द एंड उसका कुछ फ्रूटफुल रहा नहीं वो, सो फोकस ऑन प्रैक्टिस अलॉट। Okay, that's Sakshi AIR 1 CA Intermediate May 2018 exam. Thank you Sakshi, आपने जो बातें शेयर करी है शायद वो सारी बातें हमारे सारे बच्चों को व्यूअर्स को काम आएगी, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।